And how do you like Virat Kohli? How do you like his batting? Fourth ball, fifth ball, sixth ball, exactly the same area. But now when you watch like people like Jofra Archer. Get out the way. Who got a watch? Who got the time? I'm raising the clock. Even in my feelings, grind don't stop. इसके पहले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने सीखे कि जो एशियन कंट्रीज के जो प्लेयर्स होते हैं वो कैसे ट्रेन करते हैं। आज एक इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है लियम प्लंकेट, जिन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप खेला था लास्ट इंग्लैंड के साथ में, अब वो है अमेरिका में। चलो चलते देखते वो लोग क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग। सो यार फिलहाल मैं फिर से आया वहीं जहाँ पर मैं अक्सर प्रैक्टिस करता हूँ, और आज मेरे साथ में अपने फ्रेंक के भाई का नाम है प्रसन्नजीत, ये मेरे साथ एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग मिले थे एक सीजन में, हम लोग साथ में क्रिकेट खेलकर अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो अभी एक्चुअली हम लोग आए हुए थे, और पीछे एक्चुअली आपको जो इतनी आवाज़ आ रही है ना, पीछे एक्चुअली चल रही है ट्रेनिंग चल रही है, और वहाँ जो पीछे खड़े वो है लियम प्लंकेट। 2019 का अगर वर्ल्ड कप देखे हो तुमने भी तो आपको पता रहेगा इन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की थी, है ना प्लंकेट। तो आज हम लोगों ने प्लान किया, चलो चलते चलकर मिलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके के सेशन होगा, उसको थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। श्योर, है ना। ट्रेनिंग तो बहुत जबरदस्त चालू है, है ना। तो चलो दिखा दो थोड़ा आप लोगों को किस तरीके की यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। Thinking back in the days, Brett Lee was so flat like this and so powerful. Some of the best bowlers, I don't think Rabada is. If it works for you, if you're fit and healthy, then I'm not going to say change. That's what he called a bracelet. Yeah, bracelet. I'm not Brett Lee, but I never had it. Like, even when I bowled at my quickest, I felt like I got myself so fit and strong that even when I had a collapse, like my position was probably like this. Ideally, it would have been higher, but I felt like I got strong that I could like work around it. So it's bent. I had enough power from doing stuff like this to be able to go over that knee and fire. So you got to work with your weaknesses. I'm not trying to change people's actions, because if it works, it works. So अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आपका ब्रेस लेग, जैसा आप लोगों को पता है जब हम लोग बॉलिंग डालते हैं तो पैर कोलैप्स हो जाता है, ऐसा हो जाता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट रहने की जगह। मैं बैठ के कितना वियर्ड लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा है, मैं सोचा बैठकर आपको समझाऊं कि प्लंकेट साहब क्या समझा रहे हैं। सो वो बता रहे हैं कि अगर आपका पैर स्ट्रेट होता है तो बॉल हायर आएगा, स्ट्रेट नहीं जाता है इतने में अगर आप लैंड करके बॉल डाल रहे हो तो उससे ये होता है कि आपका जो कोर, ये जो पावर है ना, ये आप ज़्यादा यूज़ कर पाते हो इसमें इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट जाने में। ऊपर से अगर आप आओगे तो फर्क पड़ता है, यहाँ से बॉल डालोगे तो फर्क पड़ता है। वो फर्क आगे मैं आपको बताऊंगा किस फर्क की बात कर रहे हैं वो। ये बोल रहे हैं मैं किसी को चेंज करने के लिए बोलता नहीं, उनकी जो स्ट्रेंथ है मैं चाहता हूँ कि वो उसी पर काम करे, क्योंकि ये सब मसल मेमोरी से होता है। अगर एक बार आप ऐसे डेवलप हो गए आपका मसल मेमोरी कि आप ऐसे में बॉल डालते हैं, तो उसको चेंज करने जाएंगे तो आपकी दूसरी चीज़ें ख़राब होगी एज अ बॉलर। तो वो चाहते हैं कि, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ, अगर आप ऐसे में अच्छी बॉल डाल रहे तो फिर कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। All the guys, it's nice, but sometimes the youngsters, they jump up rather than straight. So I'd rather them jump straight. But it's just a drill to show this is up. Okay. मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ आप लोगों को, बताओ कि यार अमेरिका में किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है। कि सबसे बड़ी वजह पता है आप लोगों को क्या, ये जो लियम प्लंकेट है ना, ये अभी मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में जैसा जाना ना, ये अभी फिलहाल यूएसए में रह रहे और यहाँ पर मेजर लीग क्रिकेट जो होती है, एमएलसी जिसको कहा जाता है, वो ये मेजर लीग क्रिकेट के ना यहाँ पर कोच बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो रजीत जी है जिनका ये फैसिलिटी है, लास्ट टाइम उनसे भी मैंने बात करवाया था आप लोगों की, उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया था कि यहाँ के जो बच्चे वो भी उनके अंडर थोड़ा ट्रेन हो सके। So it might go from say 85 miles an hour to 83 to 81. But some batsmen like Kane Williamson, people like that, they can see your slow ball. But if you change it by just a little bit and get him to do a false drive to your cover and you can pick up a catch, that was my aim. I wasn't trying to be the most mysterious bowler because I wasn't that type of bowler. But we can go. अब आप जैसे एक्शन से देख ही रहे, यहाँ पर बात हो रही है सीम की, जिस तरीके से आप अपनी बॉल की सीम पकड़ते हैं। अगर आप सीम सिर्फ चेंज करते रहेंगे ना, बॉल वैसे ही वही जगह पर आप वही एरिया में बॉल डालेंगे, सिर्फ सीम बदल बदल के वही एरिया में अगर बॉल डालेंगे तो भाई बैट्समैन को तकलीफ हो सकती है, इंस्टेड ऑफ एक ही सीम पकड़ के अलग अलग जगह पर डालना। क्योंकि ये बता रहे केन विलियमसन जैसे जो बैट्समैन है, ये लोग है ना, जब आप वेरिएशन करते हो ना तो ये लोग आपकी जो पेस होती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आप स्लो डालोगे तो पढ़ लेगा कि भाई स्लो बॉल आ रही है। तो इसीलिए बैट्समैन को कन्फ्यूज करने के लिए जो सीम पोजिशन होती ना, उसको थोड़ा 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 चेंज करना पड़ रहा है, और वही एरिया में बॉल डालो सिर्फ सीम को घुमा कर अलग अलग तरीके से। ये हो गई नंबर वन। Fourth ball, fifth ball, sixth ball, exactly the same area, just a different variation. They might come off differently, just a tiny little thing. But now when you watch like people like Jofra Archer, if you can release the ball at the highest point, facing someone who bowls a Yorker from high to low, because you think of your eyes as a batsman, if you have to go move your eyes and the ball's moving, it's harder to hit. If someone bowls slingy, you can actually stay here and just watch the ball come like a bowling machine. So can we release it at our highest point and get the ball to go shooting like a javelin? We're trying to throw the javelin down. So just try and exaggerate that for the first round, okay? Have a go. सेकेंड, अब ये बता रहे हैं कि जब आप बॉल सीधा, जैसा मैंने पहले बताया, जब आप बॉल सीधा होकर डालते हैं ना स्ट्रेट ऊपर से, तो ऊपर से जब आता है ना, तो जब बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा है
जब बैटिंग कर रहा होता है तो उसको ऊपर से पूरा नीचे तक पूरा उसको बॉल को जज करना रहता है, जब बॉल आए तक उसके पास, मतलब पूरा पूरा ऐसा नीचे तक उसको पूरा जज करना पड़ता है, उसमें बैट्समैन को तकलीफ होती है। इंस्टेड ऑफ कि अगर आप सेम हाइट पे जाके नॉर्मल हाइट पे जाके बॉल डालेंगे तो बैट्समैन को बहुत आसान होता है बॉल को जज करने सीधा सीधा ताकि अपने शॉट्स खेल सकता है। तो वो ये बता रहे इसका फायदा होता है जब पैर स्ट्रेट रख के ऊपर से डालते हैं ना तो ये फर्क आता है। तो कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस हुई, बहुत सारे बच्चे थे, सबने अपने अपने बॉलिंग दिखाई, अलग अलग तरीके से लोगों ने बॉलिंग दी, इन्होंने सिखाया। एक ही दिन का इनका कैंप था, $50 फीस थी एक बंदे की। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन अगर मैं पार्टिसिपेट करता तो फिर मैं व्लॉग नहीं बनाता। जितना क्रिकेट मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरा व्लॉग भी उतना ही प्रायोरिटी है। सीख तो रही हूँ मैं आसिफ भाई से, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग ही बना दें, आप लोग कुछ सीख जाए। अब एक सेशन हुआ जहाँ पे आखिर में क्वेश्चन आंसर, आपके जो सवाल है वो पूछ। अब क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले इन्होंने शेयर किया कि यार ये जो आप इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखते हैं जो क्रिकेट फील्ड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते, अच्छे से खेलते, ये लोग साल साल भर मेहनत करते, तो दिन रात एक ही चीज़ पर काम करते फिर बनते हैं क्रिकेटर। मैं बताऊंगा, मेरा सुन के तो आप नहीं सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, क्या पता मेरे वीडियो देखते देखते कोई एक क्रिकेटर बन गया। किसी अपने इंटरव्यू में बोला रियान का एक बार व्लॉग देखा था, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। Think positive. To become like obviously a good baller, the guys playing international, it's just stuff like you go and see it behind the scenes, the stuff that they do, the drills that people do for hours and hours, like the back foot landing and all that kind of stuff. A lot of the guys will see someone doing really well on TV and just think it's just because he's a good cricketer. There's so much hard work goes into it. If you can just start by literally just clapping your hand over the top, keeping still, and then you go into a walk in, and then get a ball and release it and clap, and just make sure your arm keeps. If you can do drills every other night in your house, you can use the ball of socks and throw it against the wall, but just get that muscle memory in your head, okay? So your head goes like this way. So if your head goes this way, if your head's straight, your arm comes straight. But if your head pops to the side, see my arm goes? Yes, it's all keep your head going forward. Okay, head going straight and your arm will come straight. अब सबने अपने अपने तरीके से सवाल पूछे, इन्होंने जवाब दिया, फिर बारी आई मेरे सवाल पूछने की, और मैंने वही सवाल पूछा जो आपके सवाल होंगे। इनका 2019 का वर्ल्ड कप खेल के इनको कैसा महसूस हुआ था? ये आपका सवाल नहीं भी हो सकता, लेकिन ये मेरा सवाल था। देखिए क्या बोल रही है। सो फाइनली वी हैव हियर मिस्टर लियम प्लंकेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस 2019 वर्ल्ड कप? एनी स्पेशल मेमोरी फ्रॉम दैट वर्ल्ड कप? नो, ऑफ कोर्स जस्ट विनिंग द ट्रॉफी इज एज स्पेशल एज इट गेट्स। यू प्लेइंग विद अ ग्रेट बंच ऑफ गाइस, वी प्लेड 3 or 4 इयर्स टुगेदर, वी बिकेम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, सो टू विन दैट ट्रॉफी वाज Amazing memories with a great bunch of guys. In short, अच्छा लगा उनको 2019 की वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा थे, इनको बहुत अच्छा लगा खेलकर, ये बता रहे। फिर मैंने पूछा, भाई हम सबका सवाल, Who is your favorite batsman now? My favorite batsman now probably Jos Buttler. Jos Buttler? Mm-hmm. Any bowler that you like, you got inspired from? All the generation, Glenn McGrath, Darren Goff, and also like Curtly Ambrose, Courtney Walsh, Wasim Akram, Wacky Younis, all them good guys. And Sreesam. Oh, okay. I played with him at Durham. Oh, you did? Yeah, so when I was younger, he played for Durham, so he was a nice guy. So. मेरे भी सवाल आते हैं जब मैं क्रिकेट देखता हूँ, विराट कोहली जैसे इतने जबरदस्त बैट्समैन उनको खेलते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे सवाल आते हैं कि यार बॉलर्स को कैसा फील होता रहेगा, इनको बॉल डालने में कैसा लगता रहेगा। तो लाओ यही सवाल इनसे पूछते हैं। And how do you like Virat Kohli? How do you like his batting? Virat Kohli? Of course, he's one of the best in the world. I mean, I played against him, but you have to admire someone who's so talented, so successful. And he works hard, and he's obviously he's very pleasing on the eye to watch. So yeah. And how was your IPL experience? Very good. Delhi was a great spot. Had a great coach in Ricky Ponting. A lot of young guys coming through. Shreyas and Rishabh Pant, Pithvi Shaw. So it was good to play with the old guys and also the young guys. Awesome. Thank Cheers. You so Thank much. You. Thank you. Thank you. So yeah, ye the Liam Plunkett. Maza aaya unse baat karke. Ab main ek padak se photo khichaunga aur Instagram pe picture upload karenge. Maza aa gaya yaar. To ab ye farma rahe hai, bhai wo class player hai. Uski baat alag hai. Usko alag alag tarike se ball dalna padta hai Virat Kohli ko. आउट करना आसान नहीं है। एक विराट कोहली और एक बाबर आजम, ये दो बैट्समैन है ना पर्सनली मुझे भी पसंद है। और हाँ, रोहित शर्मा जिसका मैं फ़ैन हूँ, अच्छा लगता है मुझे रोहित शर्मा की जो बैटिंग है, तरीका स्टाइल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम है भाई। IPL हो ना, मैं अपने दोस्तों से लड़े आता हूँ, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मत बोलना, क्रिकेट के खिलाफ बोल देगा चलेगा, लेकिन मुंबई इंडियंस की नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर जब IPL खत्म हो जाता ना, फिर मैं बोलता हूँ क्रिकेट के खिलाफ कुछ मत बोलना, भले फिर दुनिया की कोई भी टीम खेल रही हो। क्या बोला, IPL का एक अपना ही एक फ़ैन बेस है, वैसे PSL का एक अपना फ़ैन बेस है। बिग बैश लीग में इतना देखता नहीं हूँ, आप लोग बताओ अगर आप लोग देखते हैं तो। सो ये सब बात हुई क्रिकेट की, और कल मौसम ऐसा था, फिर देखें क्या हुआ। सो फिलहाल अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं, यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, वहाँ से आके इसको कुछ खीर बनाने के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था, और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ से जाएंगे लाइब्रेरी। अरे वाह, गाड़ी बड़ी क्लीन लग रही है। जब आप नींद नोश फरमा रहे थे ना, हाँ, तब हम जाके गाड़ी की धुलाई करके आए। कर लो बात, ये भी रियान के वजह से हुआ है। आप लोगों को पता है सारे हस्बैंड को अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ती है, वो गलतियाँ जो उन्होंने कभी की भी नहीं है।
जस्ट बिकॉज आई लव यू आई एम गोना इग्नोर व्हाट यू जस्ट सेड. मतलब जस्ट बिकॉज आई लव यू मैं इल्जाम लगाऊंगी कि आपने किया और फिर उसके बाद ये बोलोगी जस्ट बिकॉज आई लव यू मैं इग्नोर कर रही हूँ जो आपने बोले. मतलब इंसान बोल भी नहीं सकता है वो चीज जो अंदर महसूस कर रहा हूं. एक मिनट मैंने रोका आपको बोलने से. आपकी बात मैंने पूरी होने दी. आपकी जितनी भी दिल के दुख दर्द गम तकलीफें हैं सब निकाल दो. तो मेरा काम है यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना और हस्बैंड का काम है हस्बैंड सुनकर निकाल तो नहीं सकता है. बिकॉज जब निकालने की कोशिश करता है तब तो दूसरी बात आ जाती है साथ में. फर्स्ट वाला जो प्रोसेस हुआ है ना प्रोसेस होने के पहले सेकंड आया था वो रिसाइकल करते ना चीजें. व्हाट इज दिस व्लॉग अबाउट? इज इट अबाउट वाइफ्स आर बैड एंड हस्बैंड्स आर गुड और समथिंग एल्स? इट्स अबाउट ट्रूथ सच. सच चाहिए है? About the सच. सच बताऊ वो हस्बैंड जो अपना सच बोल नहीं पाते उन सबका बोझ मैंने अपने कंधे पर ले लिया हूँ. बताओ ताकि लोगों को पता चले. एक बिचारी गरीब अबला नारी का बोझ तो उठा नहीं सकते. दुनिया भर के मर्दों का बोझ उठा रहे हैं. मतलब इंसान कुछ भी करे हस्बैंड कितना भी करे वो कम लगता है. वो बोलते ना उस पर भी ये भी सुनने मिल रहा है कि दुनिया के बोझ मत उठाओ मेरे बोझ उठा लो. वो उठाने के बावजूद और वही बोझ के बारे में बातें कर रहा हूँ. वही बोझ के बारे में आप लोगों को मैं बोझ हूँ. मैं प्यार के बोझ की बात करती हूँ. आप कौन से बोझ की बात कर रहे हो? ये लो हस्बैंड आगे देखे पीछे देखे दाएं देखे बाएं देखे कहीं भी देखे भैया वही गलत होने वाला है. फिलहाल चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ. Get out the way. Who got a watch? Who got the time? I'm raising the clock. Even in my feelings. So book pickup हो गई जो मुझे book चाहिए थी. बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी मजेदार है. पढ़ेंगे इसे. और एक और book मैंने order किया वो वाली अब तक आई नहीं है. जब वो आएगी तो वो लोग मुझे email कर देंगे. अब एक महीने तक मैं स्केटबोर्ड को यूज़ नहीं कर पाऊंगा. उसकी वजह ये कि मैं ये कंट्री छोड़कर जा रहा हूँ एक महीने के लिए. कहाँ जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा. फिर आएंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे फिर अपनी वही कहानी शुरू करेंगे. लेकिन ये जो एक महीने की जो कहानी है ना ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. ये यार इतने सारे झाड़ पेड़ पौधे जंगल है. मैं ऑनेस्टली कभी भाई में बात करते करते ये सोच रहा हूँ कहीं पीछे से कहीं शेर वेर नहीं आ जाए. खैर शेर तो यहाँ है नहीं लेकिन यहाँ पर फॉक्स है लोमड़ी जो होती है ना लोमड़ियाँ यहाँ पर रात में बहुत घूमती है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. लेकिन वैसे एरिया बहुत अच्छा है. मेरे घर के पीछे का ही हिस्सा है और हिरने हमेशा यहाँ पर घूमती है. खैर हिरनों से आपका लेना देना कुछ है नहीं मेरा भी नहीं लेकिन देखकर अच्छा लगता है. एनीवेज नेक्स्ट आपको मिलेगा भाई मैं ट्रैवल करते हुए दिखूंगा. अगर आपको ट्रैवल वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर घर जाऊंगा जाकर इफ्तारी करेंगे और इफ्तारी वगैरह रमजान वगैरह अगर आपको देखना है अमेरिका में कैसा होता है तो कनीज का चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है. क्योंकि यहाँ तक अब तक जो भी आपने सुना मेरा नाम है रियान और ये है मेरी कहानी. No time for shit so bullshit. You think success is an option? I'm tryna get this shit poppin' like ooh, big moves. My rules. Y'all heavy on the tweeting.